पूरे। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है तो ये होने वाली है आप सबकी फेवरेट मीशो कुर्ती हॉल टडा फाइनली मैं बहुत खुश हो रही हूँ अब बैक टू बैक ऐसे हॉल्स वीडियो ला के जो मैंने बहुत टाइम से होल्ड कर लिए थे आई होप आपको मेरा मीशो लहंगा वाला हॉल पसंद आया होगा और ऐसे मैंने बहुत सारे हॉल्स प्लान कर लिए हैं बस स्टे स्टे ट्यून बैक टू बैक आएंगे होपफुली फिंगर्स क्रॉस नज़र तो बहुत जल्दी लग जाती है वेल well, मैंने अभी कुर्तियाँ मंगवाई हैं वो मैंने दस कुर्तियाँ मंगवाई हैं और जब मुझे सारी रिसीव हुई तो मैंने पैकेट खोल के देख लिया था कि मुझे सेम ही कुर्ती रिसीव हुई है ना बस मैंने कुछ फिटिंग वगैरह कुछ नहीं करवाया सारी की सारी कुर्तियाँ मैंने स्मॉल साइज़ की मंगवाई हैं और खोला मैंने इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने मंगवाया कुछ और आर्टिकल है लेकिन जब मैंने उसको खोला तो कोई और ही चीज़ निकली दुनिया से ही मतलब उसमें कुर्ती नहीं निकली टॉप निकल गया या शर्ट निकल गई तो फिर मैंने उनको वापस भेजा ऐसे जैसे पहले हुआ था तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कि ऐसा ना हो कि कुछ और ही निकल जाए तो अभी दस की दस कुर्तियाँ हैं और फटाफट मैं एक एक खोलूँगी और एक एक ट्राई करूँगी फ़िटिंग इश्यूज हो सकते हैं और क्योंकि वैसे तो मेरा साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल ही है लेकिन मैंने सारी ही कुर्ती स्मॉल मंगवाई लेकिन कुछ बहुत बड़ी लग रही है कुछ बहुत छोटी लग रही है तो अभी मैं रबर बैंड लगा के फिटिंग करूँगी लेकिन आपको थोड़ा लुक क्वालिटी डिज़ाइन क्या दिखाते हैं क्या आता है वो सब पता चल जाएगा ठीक है लहंगे में तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड थी लहंगा वाला व्लो अगर आपने देखा होगा तो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगी बाकी अब कुर्तीज़ में देखते हैं कि कैसा क्या रहता है चलो स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट कुर्ती है वो है ये पर्पल कलर की कुर्ती जो है फ़ोर सिक्सटी रुपीज़ की फ़ोर सिक्सटी रुपीज़ की सिर्फ कुर्ती कुर्ती है ना चुन्नी है ना कुछ लाइक like बॉटम है और स्मॉल साइज़ की है पिक्चर में कुछ ऐसी दिखा रही थी मैं कहा पहले आपको दिखा रही थी कि कुछ ऐसी पिक्चर में दिखा रही थी अब देखते हैं कि रियलिटी में कैसी आई है सी मुझे थोड़ी लूज़ होगी लेकिन मटेरियल मुझे इसका ठीक लग रहा है फुल स्लीव्स है मटेरियल उतना बुरा नहीं है और नीचे पूरा ऐसे अस्तर भी लगा हुआ है घेर भी अच्छा खासा है और मतलब छोटा नहीं लग रहा है घेर और अंदर घेर में भी पूरा अस्तर है तो चलो इसको फटाफट ट्राई करके देखते हैं सो so गाइज मैंने जैसे आपको बोला था कि मैंने साइज़ मंगवाया है स्मॉल तो थोड़ा सा मुझे लूज है इसलिए मैंने ये बेल्ट लगाई है आप देख सकते हो स्लीव से भी थोड़ा लूज है वरना जैसे पिक्चर में जो इसके कलर से एग्जैक्टली वैसे ही इसके कलर है और मुझे फोर सिक्सटी रुपीज़ के हिसाब से तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मटीरियल भी और लुक भी तो मेरे लिए तो ये थम्स अप है नेक्स्ट दिखाती हूँ तो so, जो हमारी नेक्स्ट कुर्ती है वाओ ग्रीन कलर की ये भी फोर नाइन्टी नाइन रुपीज़ की साइज़ स्मॉल पिक्चर में कुछ ऐसी दिख रही थी रियलिटी में देखते हैं कैसी है ये तो मुझे बहुत डीली होगी अच्छी खासी ये लॉन्ग भी है ट्राई करके बताती हूँ सो so, ये भी साइज स्मॉल है मुझे थोड़ा लूज है मैंने पीछे से इसको पेन से टक किया है और मुझे ना इसका चोली वाला पार्ट थोड़ा लंबा लगा नो डाउट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और बहुत सारे कलर के कॉम्बिनेशनस अवेलेबल थे लाइक like, आपको अपर तो सेम मिलेगा आपको इसमें बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा था लेकिन अब जो मुझे चीज़ फ़ील हो रही है कि मतलब इसकी चोली मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लगी और फिटिंग का इशू है तो शायद जब मैं फ़िटिंग करवाऊँ तो मैं चोली भी छोटी करवा लूँ तो ये थोड़ी ठीक लगे और बिल्कुल बहुत लॉन्ग कुर्ती है आप देख सकते हो पूरे गाउन वाला फील है और नीचे भी इसमें अस्तर लगा हुआ है कपड़ा क्वालिटी ठीक है इसकी मतलब पाँच सौ के हिसाब से और नीचे भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा बैक में आपको नेक में ऐसी डोरी मिल जाएगी स्लीव्स भी अच्छी खासी हैं इसकी आपको दिख ही होगा मैंने पिन लगा रखी हैं बाकी तो ओवरऑल जैसा पिक्चर में दिखा रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैं इस कुर्ती को तो देती हूँ अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी कुर्ती है वो बस वन सेवेंटी एट रुपीज के लगता है बहुत सस्ती कुर्ती है ये बिल्कुल सिंपल है बहुत लाइट वेट है ब्लैक कलर की थी और इस पर इतने कलरफुल प्रिंट्स थे तो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं इनका मंगवा के देखती हूँ ऐसी ये कुर्ती है राउंड नेक है पीछे से बिल्कुल प्लेन है मटीरियल मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रिंट बहुत कलरफुल है तो प्यारा सा लग रहा है पहन के देखती हूँ लेकिन इस कुर्ती को लेकर मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ कि पता नहीं ये प्रिंट वाली कुर्ती अच्छी लगेगी नहीं लगेगी और इस कपड़े में ये कपड़ा एक्चुअल में है क्या मुझे नहीं पता और इसमें गर्मी ना लगे समर्स में बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है 170 कितने रुपए की बताई थी मैंने वन सेवेंटी एट के हिसाब से तो के देखते हैं अब मुझे कुछ इतनी बुरी तो नहीं लग रही है ये कुर्ती आप पूरा लुक देखो इसका इसका प्रिंट देखो इसकी लेंथ देखो मुझे सही लग रही है इसकी स्लीव्स की लेंथ स्लीव्स थोड़ी ढीली है और ऑफ कोर्स मैंने पीछे से इसको बांधा है कपड़ा सही लग रहा है मुझे मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें गर्मी लगेगी अभी तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है वैसे भी अभी तो विंटर्स है और बस फिटिंग का इशू लग रहा है वरना मुझे बहुत प्रटी गर्लिश टाइप वाली कुर्ती ये लग रही है मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे तो इसके लिए भी नेक्स्ट हमारी है लॉन्ग गाउन कुर्ती वाइट लगी स्मॉल साइज की 588 एटी रुपीस की बस मैंने ना ऐसे इतने पैकेट फाड़ फाड़ के बस कलर मैच किया था कि सेम है या नहीं है सेम है ओके ठीक है छोड़ दो इसके कपड़े में डाउट हो रहा है मुझे चुन्नी का है ओ तो प्रिटी लग रही है कुर्ता देखते हैं कुर्ते का कपड़ा थोड़ा मोटा सा लग रहा है ना समझ नहीं आया मुझे बहुत फाइन कपड़ा नहीं है स्लीवलेस है बहुत ही ढीला है फ्रॉक स्टाइल में चलो ट्राई करके आते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस कुर्ती को अंडर एस्टिमेट कर दिया था मतलब कितनी प्यारी लग रही है ये पहन के मतलब मुझे दुपट्टा लेने के बाद ना लुक इतना प्यारा लग रहा है इसका थोड़ी लूज है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने पीछे पेन लगाई है स्लीवलेस है इसके अंदर कोई स्लीव्स अटैच नहीं है और थोड़ी लूज़ है बस वो फिटिंग हो जाएगी एथनिक वेयर में तो फिटिंग के बाद ही मज़ा आता है और आप इसकी चुन्नी देखो और ऐसे इसका लुक देखो पूरा मतलब मुझे तो अच्छी लग रही है कपड़े का मुझे नहीं पता कि कलर जाएगा कि नहीं जाएगा धुलने के बाद ऐसा ना हो क्या रहेगा वो अभी मुझे नहीं पता लेकिन अभी तो मुझे पहनने के बाद बहुत प्यारी प्यारी प्रिटी प्रिटी वाइव्स आ रही है सुशील लड़की वाली आ हाँ चलो नहीं में भी मज़ा आ रहा है चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ हाँ इसके लिए भी थम्सअप है नेक्स्ट हमारी है रेयन कुर्ती इसका साइज़ मीडियम है और ये फाइव फाइव वन रुपीज़ की है और साइज़ मीडियम में तो बड़ी होगी इसका कलर अच्छा है इसका कपड़ा भी सही लग रहा है ओ भाई ये तो बहुत ही चौड़ी है और नीचे से फ्रॉक कुर्ती है और बाकी तो पहन के पता चलेगा कि लुक कैसा आ रहा है चलो ट्राई करते हैं गाइस मुझे कुर्ती बहुत ज़्यादा लूज थी ऑब्वियसली एम साइज़ था और मुझे लुक वाइज़ समझ नहीं आ रही है मतलब जितनी अभी मैंने कुर्तियाँ पहनी मुझे बहुत गर्लिश टाइप की लगी ये मुझे लुक uh, में थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ और आप देखो कपड़ा अच्छा लग रहा है जैसा पिक्चर में दिखाया था ये वैसा ही आया है इसमें आप ये वर्क देखो नेक पे इतना वर्क है इसमें थ्रेड वाला और बस नीचे भी बॉटम में हल्का सा वर्क है स्लीव्स प्लेन है बिल्कुल लूज है मुझे मैंने इसको पीछे से टक किया हुआ है सिंपल कुर्ती ठीक लग रही है लेकिन मुझे आ, मैंने अभी जो कुर्ती पहनी है उसके अकॉर्डिंग लुक में नहीं समझ आ रही है वरना तो ये थम्स अप है जिनको ये कुर्ती पसंद आई लुक पसंद आया और लेना चाहे तो मैं ये मैं अपने घर में मम्मी को आ गई तो मम्मी को नहीं तो मौसी मामी को मैं ये गिफ्ट कर दूँगी अगर आप वीडियो देख रहे तो आप समझ जाना और या इट नेक्स्ट दिखाती हूँ इसके लिए भी थम्स अप है नेक्स्ट हम निकालते हैं लेटेस्ट ग्रेट डिजाइनर कुर्ती स्मॉल साइज की है और शायद फोर फोर्टी सेवन रुपीज की है चेक भी कर लेती हूँ एक बार यस फोर फोर्टी सेवन रुपीज की है अब देखते हैं क्या है लेटेस्ट बड़ा oh, गाउन स्टाइल पिस्ता ग्रीन कलर की ये कुर्ती है स्लीवलेस है और साइड से ऐसे ये गिरे हुए हैं ट्राई करके ही पता चलेगा कि ये कैसी कुर्ती है गाइस जैसे इस कुर्ती के लिए लिखा था डिज़ाइनर ट्रस्ट में ये डिज़ाइनर ही है मुझे फिटिंग करनी ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ से इसे फ्रॉक में पीछे बांधने के लिए होता है ना इसमें दोनों तरफ से था यहाँ से और यहाँ से तो दोनों को मैंने इधर बांध लिया और इधर और इधर भी था तो मैंने इधर बांध लिया तो बहुत अच्छी फिटिंग मुझे मिल गई है मटेरियल इसका बहुत प्यारा वाला जॉर्जेट है बहुत स्मूथ है ये और आप नेक में भी देख सकते हो यहाँ से ऐसा सिलाई है पूरा स्लीव्स के लिए ये वाला पूरा पैटर्न है अंदर कट स्लीव्स है तो मतलब मुझे ऑल ओवर ये बहुत ही प्यारी लगी आप इसका पूरा लुक देखो और बैक से भी देखो कि मुझे फिटिंग करवाने की कोई नीड नहीं है मतलब ये मैं इसको एज ए ड्रेस भी पहन सकती हूँ मैं इसको कुर्ती भी नहीं गाउन करूँगी गाउन ड्रेस की तरह भी इसको मैं पहन सकती हूँ क्योंकि मैं लेगिंग भी ना पहूँगी तो इसकी लेंथ बहुत अच्छी है और ये बहुत परफेक्ट है ये अब तक की सबसे बेस्ट कुर्ती गाउन ड्रेस वट एवर कुछ भी बोल सकती हूँ तो थम्स अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है हमारी ब्लैक एंड मरून लॉन्ग कालीदार ड्रेस विद बॉर्डर डिटेल्स स्मॉल साइज की है फोर नाइन्टी सिक्स रुपीज़ की है तो चलो कालीदार को बुला लिया जाए अरे दादा वाह यही निकली बस यहाँ से दिख गया था कि कुछ काले कलर का है कपड़ा तो ठीक लग रहा है ओहो प्रिंट वाला है इसमें पूरा ये चीज़ मुझे लग रहा था जो कढ़ाई वढ़ाई होगी पूरा प्रिंट में है स्लीव्स में आगे नेक में बैक चलो इसको वियर करके देखते हैं कैसी लग रही है सो so, पहनने के बाद इसका मटेरियल तो ठीक ठीक लग रहा है और थोड़ी लूज है लेकिन जो ये वाला नेक का पैटर्न है ना ये बहुत ट्रेंडी है आजकल तो ये बहुत स्टाइलिश भी लग रहा है मुझे इस कुर्ती के हिसाब से मतलब इस पूरी कुर्ती की जो पूरी वाइब आ रही है ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ये नेक वाला इन्होंने डिज़ाइन दिया है पैटर्न दिया है जो भी ये कटिंग है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मतलब ऑल ओवर इस कुर्ती में बाकी कलर कॉम्बिनेशन आपको तो पता ही है ब्लैक और रेड और मतलब एवरग्रीन टाइप का ये ये भी कब से चलता आ रहा है ब्लैक और रेड मुझे जो थोड़ा बहुत जो इसकी चीज़ नहीं पसंद आई ना वो ये वाला जो प्रिंट वाला वर्क है ना ये ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और आप देख सकते हो पूरा बॉर्डर भी इसी चीज़ का है मतलब इसको थोड़ा सा और रिच बना सकते थे अगर ये वाला ये बॉर्डर ना देते या फिर इसकी जगह कुछ और मटेरियल यूज़ होता तो बाकी फिर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कपड़े का मटीरियल और लुक और सब कुछ तो मुझे ठीक लग रहा है मतलब ठीक लग रहा है बहुत ज़्यादा बुरी तो ये नहीं आई है कि मैं इसको टाए टाए फेस वाला वो दूँ लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे वाला थम्स अप दूँ बोला मतलब एवरेज कुर्ती है मतलब सम हाउ रेट के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ तो ठीक है बाकी तो ठीक है ना इसके थम्स अप ना ये एवरेज नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी है वो है जॉर्जेट एम्ब्रॉइड कुर्ती विद नेट का दुपट्टा ये स्मॉल साइज के और फाइव सिक्सटी वन रुपीज के तो चलो देखते हैं इसका कलर भी बहुत प्यारा है ग्रीन नेट का दुपट्टा है जो बहुत चीप सा लग रहा है मोती मोती लगे हुए हैं और क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है दुपट्टे की पहले ही बता देती हूँ कुर्ती में स्लीव्स में पूरा पैटर्न है कुर्ती ऑल ओवर प्लेन है फ्रॉक पैटर्न की कुर्ती है अस्तर लगा हुआ है चलो ट्राई करते हैं गाइस इसका कलर बहुत अच्छा है और जिसकी स्लीव्स में ये जो पैटर्न है ना और ये जो बीच बीच में मोतियाँ लगी है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं और सेम ऐसे ही पैटर्न आपको नीचे बॉर्डर में भी देखने को मिलेगा लेकिन बस ये कि फ्रंट में है और बैक के बॉर्डर में नीचे कुछ दिया ही नहीं है बैक प्लेन है लाइक पीछे से भी आप देखो पूरा प्लेन है और फ्रंट भी पूरा प्लेन है बस यहाँ नेक पे एक ही गोल्डन पाइपिंग वाला चीज़ दिया है इन्होंने और जॉर्जेट का मटेरियल सॉफ्ट है बहुत बुरा नहीं लग रहा है जॉर्जेट और बात की जाए चुन्नी की तो चुन्नी का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है और छोटे छोटे डॉट है चुन्नी में ठीक है तो ये ऑल ओवर ऐसा लग रहा है घेर भी आप देख सकते हो तो ये भी मुझे कुर्ती ठीक लगी तो इसके लिए भी नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट जो हमारी कुर्ती है वो नेवी ब्लू कलर की कुर्ती है स्मॉल साइज़ की और साढ़े चार सौ रुपये की है ये बिल्कुल ही प्लेन कुर्ती है और ये बिल्कुल फ़्रॉक पैटर्न वाली कुर्ती है बिल्कुल ही प्लेन स्लीव्स भी प्लेन नीचे से भी प्लेन ऑल प्लेन 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 चलो इसको फ्रॉक ही नाम रख देते कुर्ती क्यों नाम रखा ट्राई करके आते हैं मुझे तो ये क्यूट लगी थोड़ी लूसी तो मैंने बैल लगा लिया आप स्लीव देख सकते हो सॉफ्ट जॉर्जेट इसका मटेरियल है बहुत प्रिटी सी फ्रॉक है अच्छा खासा है इसका घेरा नीचे वैसे तो सच कुछ है नहीं लेकिन घेर है इसमें बहुत अच्छा और बैक भी आप देख सकते हो और मुझे लगता है गर्मी में बहुत सही लगेगी मतलब बहुत सही सी मुझे लग रही है मतलब गर्मी नहीं लगेगी और क्यूट सी लग रही है कलर भी इसका अच्छा है नेवी ब्लू सब बहुत सिंपल प्यारी सी फ्रॉक मैं इसको दूंगी और मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक लगी मुझे मटेरियल इतना बुरा नहीं था और बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो तो मेरे लिए तो ये थम्स अप ही है मतलब मैं इतना ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ मीशो से कुर्ती को लेकर मुझे तो ये ठीक लगे जो बहुत ज़्यादा बुरी होती तो मैं आपको वो बताती लेकिन बाकी तो आप वीडियो में देख सकते हो बस इस वीडियो की अब मैं लास्ट कुर्ती दिखाने जा रही हूँ और लास्ट कुर्ती पहनते हैं फिर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी सो so, इस वीडियो की लास्ट कुर्ती है थ्री 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 रुपीज की स्मॉल साइज की मरून कलर की और ये भी कुर्ती कम फ्रॉक स्टाइल ज़्यादा है ये तो आपने पक्का बहुत देखा ही होगा ऊपर से इलास्टिक है नीचे से पूरी फ्रॉक है स्ट्रैप्स हैं एडजस्टेबल चलो फटाफट पहन के देखते हैं इसका लुक इसका कलर इसका मटेरियल इतना प्रटी लग रहा है आई नो कि ये बहुत कॉमन फ्रॉक है और सिर्फ तीन सौ थ्री की है और लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी आप इस एक बार इसका फिट देखो मतलब मुझे परफेक्ट है स्मॉल साइज की है और मतलब मैं इसको समर में ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ बस ड्रेस की जैसी और आप इसका बैक भी देखो सबसे बढ़िया बात इसकी जो स्ट्रैप्स हैं वो एडजस्टेबल हैं और कलर बहुत प्यारा इसमें काफ़ी सारे कलर के ऑप्शन अवेलेबल थे और मटेरियल भी बहुत सॉफ़्ट है तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी आप इसके ऊपर श्रग भी ले सकते हो चुन्नी भी ले सकते हो तो मतलब कैसे भी आप इसको अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो तो मेरे लिए तो यह है थम्स अप आओ बैठते हैं थोड़ी ये बात करते हैं कि अब आप मुझे ये बताओ कि आपको मेरी इन दस कुर्तियों में से सबसे बेस्ट कुर्ती कौन सी लगी और मुझे इस बार सबके कमेंट्स चाहिए सारी वीडियोस देखते हो लेकिन कोई कमेंट नहीं करता बहुत कम लोग कमेंट करते हो मैं सबके कमेंट्स लाइक करती हूँ पढ़ती हूँ और जिनके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं उनको रिप्लाई भी करती हूँ तो प्लीज़ इस बार भी मुझे बताना कि आपको कैसी लगी कुर्ती और आप क्या नेक्स्ट देखना चाहोगे लहंगा हो चुका कुर्ती हो चुका अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आने वाला है फुल सूट सेट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ऑर्डर सारे आ चुके हैं नीचे रखे हैं वो भी दस सूट के सेट हैं फुल सूट सेट और वो भी बहुत प्रिटी और सुंदर होने वाले हैं क्योंकि मैं मुझे लहंगा भी अच्छा लगे मुझे कुर्तियाँ भी बहुत अच्छी लगी तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे सूट सेट भी मंगवाए हैं कुर्ती सेट भी मंगवाए हैं तो वो भी अच्छे ही होंगे तो स्टे ट्यून अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू तो माई चैनल और जल्दी ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय आई लव यू